इंडिया की पहली प्लैंड हिल सिटी जो 2 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए डिजाइन की गई थी, इंटरनेशनल लेवल पर जिसके चर्चे थे, वो आज एकदम बंजर पड़ी है। इसे बनाने के लिए अरबों रुपए लगाए गए पर आज ये करोड़ों के डेट में है। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये एक्सट्रीमली प्रॉमिसिंग सिटी एक कंप्लीट फेलियर बन गई? ये है पोर्टोफिनो, इटली का एक छोटा सा गांव, और ये जगह एक पर्टिकुलर इंडियन बिलियनेयर को बहुत पसंद थी, मिस्टर अजीत गुलाबचंद, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर। करीब 20 साल पहले गुलाबचंद अंकल ने एक बात ठान ली, उन्हें पोर्टोफिनो जैसी ही एक्सट्रीमली सुंदर जगह इंडिया में बनानी थी, और इस सिटी का नाम था लवासा। ये थी इंडिया की पहली प्लान्ड प्राइवेटली मैनेज्ड हिल सिटी। महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट्स के पास पुणे से कुछ 1 घंटे दूर ये सिटी बनाई गई। बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर स्पेंट टू मेक दिस सिटी, और इसके अराउंड बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशंस थी। गुलाबचंद की हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इसे बनाना शुरू किया। Have a look at these ads. ये लवासा के स्टार्टिंग डेज में निकाले गए थे। लवासा को इंडिया की पहली स्मार्ट सिटी कहा जा रहा था, विद क्लीन एयर, ट्रैफिक फ्री रोड्स, ब्यूटीफुल होम्स एंड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। एक और बड़ा क्लेम, लवासा को इंडिया का एंटरटेनमेंट कैपिटल भी माना जा रहा था। यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट स्पेस कैंप लगने वाला था, एंड नॉट जस्ट दैट, मैनचेस्टर सिटी जो कि फुटबॉल की एक बहुत बड़ी वर्ल्ड फेमस टीम है, वो भी लवासा में इंडिया की अपनी पहली फुटबॉल अकेडमी खोलने वाली थी। इसके साथ साथ यहाँ पर आने वाली थी वर्ल्ड फेमस गोल्फर निक फाल्डो द्वारा पर्सनली डिजाइन की गई गोल्फ कोर्स, और बच्चों के खेलने के लिए पूरा 65 एकर्स का एक बड़ा शानदार थीम पार्क बनने वाला था। 2 लाख से भी ज्यादा रेजिडेंस और 80,000 से भी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज वर प्रॉमिस। यहाँ तक कि लवासा को इंडिया की सिलिकॉन वैली भी बोला जा रहा था। देखते ही देखते लवासा इंडिया का सबसे हॉट और पॉपुलर प्रोजेक्ट बनता चला जा रहा था। 2004 से 2009 तक लवासा का काम एकदम स्मूथ और फास्ट हुआ, लेकिन साल 2010 में सिटी को एक जोर का झटका लगा। पूरी सिटी केम टू अ स्टैंडस्टिल, और देखते ही देखते इस सिटी की कंडीशन एकदम चेंज हो गई। सबसे पहली प्रॉब्लम आई प्रॉपर अप्रूवल्स की। ये है सह्याद्री हिल्स, महाराष्ट्र में पुणे के पास ये हिल्स है। यहाँ पर लवासा सिटी बनाई जा रही थी। अब ये हिल्स एक यूनेस्को प्रोटेक्टेड साइट है। यहाँ पर एक भी पेड़ को हटाने के लिए बहुत सारी परमिशंस लगती हैं, और लवासा तो पूरा शहर बनने वाला था, इसलिए बहुत सी परमिशंस रिक्वायर्ड थी। पर HCC की लवासा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ये परमिशंस लेना जरूरी नहीं समझा। सबसे पहले तो उन्होंने एक झूठ बोला कि लवासा सी लेवल से 1000 मीटर से ज्यादा ऊपर नहीं जाए। बट जैसे जैसे काम होने लगा, रियलिटी सामने आई। लवासा वाज क्लियरली मोर देन 1000 मीटर ऑफ सी लेवल। यहाँ 5 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट थी, और 1000 से भी ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी हिल स्टेशन में अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही हो और ये 3 फैक्टर्स उसमें इन्वॉल्व हो, देन देयर आर सम रूल्स टू बी फॉलो। ये रूल कहता है कि ऐसी कंस्ट्रक्शन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी बहुत जरूरी है, और हमारी डियर लवासा ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से तो परमिशन ली, बट सेंट्रल गवर्नमेंट को एकदम इग्नोर कर दिया। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने लवासा को तुरंत सारा काम रोकने के ऑर्डर्स दिए। एट द सेम टाइम कुछ और शॉकिंग राज भी बाहर आए। कई रिपोर्ट्स ने यह बताया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लवासा बनाने वाली कंपनी को जमीन बहुत कम प्राइस में दी। 300 एकड़ से भी ज्यादा की जमीन थी, बट उसकी मंथली लीज बस 23,000 रुपीज थी। मुंबई के एक छोटे से फ्लैट का भी रेंट इससे ज्यादा होता है, और ये तो पूरी की पूरी सिटी बनने वाली थी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लवासा कंस्ट्रक्शन कंपनी पर एक और फेवर किया। उन्होंने इस कंपनी को एक स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का दर्जा दिया। ये काफी सरप्राइजिंग बात थी, क्योंकि इससे पहले जनरली ये दर्जा सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज को ही मिलता था, जैसे MMRDA या सिडको। लवासा कॉरपोरेशन एक गवर्नमेंट बॉडी नहीं थी, एक प्राइवेट कंपनी थी, फिर भी उसे ये स्पेशल दर्जा दिया गया। तो नेचुरली यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लवासा पर इतनी मेहरबानी क्यों की? This is where things get really interesting. लवासा के डेवलपमेंट के टाइम पर अजीत पवार वॉज द डेप्यूटी CM ऑफ महाराष्ट्र। ये है शरद पवार के नेफ्यू, जिनकी बेटी है सुप्रिया सूले। अलेजेडली सुप्रिया एंड हर हस्बैंड वर बिग स्टेक होल्डर्स इन अ कंपनी। इस कंपनी को लवासा कॉरपोरेशन के साथ मर्ज किया गया। इसकी वजह से कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सुप्रिया का लवासा कॉरपोरेशन में 20% से भी ज्यादा स्टेक हो गया था। तो इनडायरेक्टली पवार फैमिली का लवासा में एक मैसिव स्टेक था। बट शरद पवार सेड ऑन रिकॉर्ड दैट सूले फैमिली गेव अप देयर स्टेक्स अराउंड 2006-07। कई सारे और भी ऐसी शॉकिंग डिटेल्स थी जो बाहर आने लगी। सबसे पहले तो किसी भी हिल स्टेशन में 2 स्टोरी से ज्यादा की बिल्डिंग बनाना अलाउड नहीं है,
बट अलेजेडली लवासा में 6 स्टोरीज के मैसिव स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे थे। लवासा में एक और बड़ा रूल वायलेट किया गया था। वहाँ के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने लवासा कोऑपरेशन को कुछ जमीन दी थी टू बिल्ड अ डैम, बट अपेरेंटली डैम बनाने के बजाय कोऑपरेशन ने जमीन को कमर्शियल और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए यूज किया। और सबसे डेंजरस वायलेशन वॉज डन विद द लोकल्स ऑफ दिस प्लेस। सिटी स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए जिन लोगों से जमीन ली गई थी उन्हें रिपोर्टेडली प्रॉपर मॉनेटरी कंपनसेशन कभी दिया ही नहीं गया। बेसिकली द एंटायर लवासा कंस्ट्रक्शन टर्न्ड आउट टू बी अ ह्यूज स्कैम। जब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का बैन हटा तब लवासा का कैश फ्लो बिल्कुल सूख चुका था, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का सपोर्ट भी कम हो गया था, ऊपर से रियल एस्टेट मार्केट की हालत भी खराब थी, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने भी लवासा में इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया। एक आईपीओ निकालने की बात उठी थी बट इतने खराब हालत में वो प्लान भी फेल हो गया। लवासा कॉर्पोरेशन ने बैंक्स से मैसिव लोन्स लिए थे एंड दे बैडली डिफॉल्टेड इन रीपेइंग दीज लोन्स। 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा का लोन लवासा कॉर्पोरेशन को चुकाना है। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, इतना कि ये वर्ल्ड के वर्स्ट लोन प्रॉब्लम में से एक है। प्लान था एक वर्ल्ड क्लास हाई फाइव फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाने का, बट लवासा एक अबैंडन्ड गोस्ट टाउन बनकर रह गया है। 2 लाख रेजिडेंस होने की एक्सपेक्टेशन थी पर आज यहाँ बस कुछ 10,000 लोग रहते हैं। कई बिल्डिंग्स इनकम्प्लीट पड़ी हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाया उसकी जीरो मेंटेनेंस हो रही है, बिल्डिंग्स के कलर फेड हो चुके हैं और रस्तों पर काई पड़ चुकी है। जो वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट्स और शॉप्स यहाँ पे खुलने वाले थे वो आज ठप पड़े हैं, क्योंकि विजिटर्स की संख्या भी कम से कम होती जा रही है। कूड़ा टाइम पर कलेक्ट नहीं होता है इसलिए सारे लेक गंदगी से भरे पड़े हैं। वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स यहाँ लगाई थी आज बहुत डरे हुए हैं इस बात से कि शायद इस सिटी का कंस्ट्रक्शन कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। लवासा कॉर्पोरेशन ने अपने आप को इस मेस से निकालने के कई रास्ते सोचे। दे टॉक टू मेनी इन्वेस्टर्स फॉर मेनी इयर्स। फाइनली दिसंबर 2021 में जाके एक मुंबई बेस्ड फर्म ने लवासा कॉर्पोरेशन को खरीदने की बिड रखी एंड दे वन। ऑलमोस्ट 10 साल के बाद देयर इज अ स्लाइट होप फॉर लवासा। लेट्स सी कि इस सिटी और इसके रेजिडेंट्स के फ्यूचर में क्या लिखा है। हेलो ह्यूमंस, क्या आपको लवासा सिटी के फेलियर के बारे में पता था? हमारी बियॉन्ड बॉर्डर्स करके एक कैटेगरी है जिसमें हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात करते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में बताएं कि कौन से और ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आप वीडियोस देखना पसंद करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमें अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए अ ह्यूज थैंक्स टू यू।